कंगना रनौत, शाहिद कपूर और सैफ अली खान की फिल्म रंगून बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। टीम रंगून लो बिजनेस के सदमे से अभी उभरी ही नहीं थी कि ट्विटर पर एक मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने कंगना और उनके पर्सनल लाइफ पर निशाना साधा। शेखर सुमन के इस ट्वीट पर गौर फरमाइए दोस्तों। शेखर ने कंगना को कोकेन एक्ट्रेस कह दिया और फिल्म के फेलियर का इल्जाम कंगना पर लगा दिया। शेखर took to Twitter to lash out on Kangna once again. He wrote, "One cocaine actress was carrying the burden of her non-existent stardom. She has fallen flat on her face and how? Guess this is poetic justice." शेखर सुमन कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके अध्यायन सुमन के पिता हैं। लास्ट ईयर कंगना और ऋतिक रोशन के बीच हुए अगली लीगल बैटल ने कई दबे राज खोले। यहाँ तक कि अध्यायन सुमन ने भी कंगना पर टॉर्चर और अब्यूज का इल्जाम लगाया और सरेआम पब्लिक में अपने रिलेशनशिप की शॉकिंग कहानी बयान की। अध्यायन के पापा शेखर सुमन ने भी कंगना के पर्सनालिटी के बारे में काफी कुछ शॉकिंग चीजें बताई। अध्यायन ने कंगना को एक ड्रग एडिक्ट भी बताया। अध्यायन हैड रिपोर्टेडली सेड ऑन हर बर्थडे इन मार्च 2008 एट द लीला शी हैड इनवाइटेड एवरीबॉडी दैट शी हैड वर्कड विद। शी सेड लेट्स डू कोकेन इन द नाइट। आई हैड स्मोक्ड हैश विद हर अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर एंड डिडंट लाइक इट सो आई सेड नो। I remember getting into the big argument that night because I said no to cocaine. बातें पुरानी जरूर है लेकिन सुमन फैमिली पर कंगना ने दिए जख्म अभी ताजा है। वेल, रंगून के फेलियर को लेकर शेखर सुमन का ये ट्वीट कितना जायज है? Isn't that harsh? What do you think of that? Post your comments below and stay tuned to Bollywood Now for your daily Bollywood buzz.